हेलो दोस्तों, रोमांचक और खूबसूरत सफरनामे के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द हिमालयन ऋतिक आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं धारचूला से मेरे गांव पांगू। तो कैसा ये सफ़र और रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा इस रोमांचक यात्रा पर, बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाऊंगा आपको पांगू तक की यात्रा कि कैसे हम ऑफ रोडिंग करते हुए पहुँचते मेरे गाँव पांगू। तो चलिए दोस्तों, ये है ईशानी, हेमू दीदी, अक्षय और मैं, और हम जा रहे हैं पांगू। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब होती जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, सड़कों पर पानी भी आ रहा है, मलबा भी है, प्लस इतना संकरा रास्ता है, उस पर गाड़ी चलानी है और कुछ सामने से गाड़ी आएगी तो उसको पास भी देना है। तो इस प्रकार से काफ़ी दिक्कतें हैं हमारे गाँव की सड़कों में अभी भी। तो तैयार रहिए दोस्तों, छिरकला डैम का टनल आने वाला है। देखिए सामने से हम अंधेरे टनल से होते हुए गुजरेंगे जो हमें ले जाएगा छिरकला डैम। ये
तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों छिरकिला डैम। ये डैम में रोड टूटा हुआ है 50 मीटर, इसी वजह से अब गाड़ी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हमको ट्रांसफ़र करके शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, सामान शिफ्ट होगा यहाँ से, देखते हैं अब कैसा होता है। आ रहे हो जा रहे हो? अभी आ रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ। हाँ पहुँच रहा। तो देखिए ये रोड पूरा टूटा हुआ है, इसलिए सारे जितने गांव जाने वाले हैं मेरे सबको पैदल जाना पड़ेगा और वहाँ से दूसरी गाड़ी मिलेगी, सारा सामान हमको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ। ये रोड बन रहा है लेकिन लगेगा अभी 10-15 दिन लग रहा है जिस हिसाब से काम चल रहा है यहाँ पर। और ये है छिरकिला डैम NHPC का जल विद्युत परियोजना। देखिए रोड की हालत देखिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा हुआ रोड, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ माइग्रेशन करने वाले जितने भी गांव है सबको समस्या आने वाली है। तो हम भी चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ हैं, बस हमको एक लेबर की ज़रूरत है जो ट्रांसपोर्ट करके हमारा सामान यहाँ से पार कराए उस रोड पे और वहाँ से हम अपना टैक्सी करके आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरी गाड़ी में सामान भरा हुआ है मेरा, छत में देखिए काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो दोस्तों इस रोड के टूटने की वजह से चौदास और दारमा वैली के सारे गांव वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत ही समस्या है। और यहाँ देखिए कि एक पूरा स्टेशन बन चुका है, आधी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है और आधी गाड़ी वहाँ। तो आपको ट्रांसपोर्ट करके सारा सामान शिफ्ट करेंगे और वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी है, वहाँ से जो आएगा वो पैदल आएगा और सामान यहाँ शिफ्ट करेगा। तो देख सकते हैं दारमा और चौदास वैली के लोग काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं रोड बनाने में। कितने दिन और लगेंगे राजू? 10-15 दिन। 10-15 दिन बस मजबूत वाला, ठीक है। तब तक गाड़ी वाले कमा रहे हैं, लेबर भाई कमा रहे हैं, क्यों ये भी जरूरी है क्यों? ओके तो देखिए दोस्तों सामान इतना है कि लेबर वेबर आ गए, भाई लोग आप सामान उठा रहे हैं। उतरो उतरो जल्दी उतरो, के एक आदमी ऊपर चढ़ो ना, एक आदमी ऊपर जाओ, ये आगे का भी खोलो, पकड़ते रहो, चलो हल्का हल्का तुम पकड़ो, चलो अपना अपना बैग के अक्षर ला, बैग ला, सामान भी गिनो कितने उधर रखो, यहाँ गीला है उधर उधर रखो। तो ये सामान हम उतारेंगे, लेबर ले जाके हमको रोड पार कराएंगे, उसके बाद हमको दूसरी गाड़ी पकड़नी है। दोस्त आराम से आराम से, सब हमारे ही। हाँ हाँ चलो चलो चलो, अरे और पकड़ना भाई, इतना हल्का हल्का ले जाएगा क्या, पकड़ो बैग। आप बोलना फिर, और बैग ला अक्षर, सामान पकड़ो। बकरा है को? बकरा भी है ना? किसका है मुर्गा? वीडियो बन गया आज उसमें। डॉक्टर साहब का? यही तो मैं कह रहा था। अरे यार वो भी उसमें लाना फिर है? मुर्गा है, वो भी तो है, फिर पनीर है, नहीं भी तो पकड़ना पड़ेगा। बकरी मत निकालना पहले। अरे आगे जाओ ना, सामान देखो, तुम लोग जाओ गाड़ी में, क्यों रुके हो? चलो चलो, मैंने दे दिया अभी 2000। अमन देगा जल्दी, एक चक्कर दे ला, बैग ला, नहीं पकड़, चलो चलो आगे जाओ ना, गाड़ी पकड़ो। ऐसी सेफ है ना ये सामान, काफी हमारे पास, अभी देखते हैं। तो एक और को भेज दो, पनीर और भिजवा दो, मैं तो ये बैग दे दो फिलहाल, ठीक है ठीक है। मिलते हैं फिर, तो आ ही रहा होगा। तो पहाड़ों पर सड़कों की दुर्दशा आप देख रहे हैं दोस्तों, एक छोटी सी 50 मीटर की सड़क धंसने की वजह से कितनी आफत होती है।
अरे उठा के लाओ ना, उठा ना, ला ये बैग दे, उठा ले। अच्छा उठा, चलिए चलिए चलिए, चलो चलो चलो, हाँ ओके के आओ। इसलिए था ताकि मेरी वीडियो में शक्ल ज्यादा आए, क्योंकि ये केक की भी आएगी। चलो चलो चलो, अब हम पैदल जा रहे हैं अपने बैग्स लेके, और बड़े बैग हमारे लेबर ले जा रहे हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे चल रहा हूँ। ईशानी को पकड़ो, हाँ सड़क कुछ ऐसे टाइप की थी जिसमें हमें ऐसे चलना है। तो फाइनली दोस्तों हम रोड पार करके पहुंच चुके हैं दूसरे स्टेशन में। अब यहां से ये गाड़ी हमारे साथ पतियाल ट्रेवल्स जो हमें लेके जाएगी पांगू। और देखिए दोस्तों खूबसूरत छिरकिला डैम, एक प्रकार से एक लेक कह सकते हैं आप इसे। के कहां पहुंच गए आप? अब ये एक स्टेशन बन चुका है दोस्तों, जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती तब तक ये एक प्रकार का बेस स्टेशन है जो ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा। तो कैसा लगा ईशानी, कैसा लगा स्टेशन चेंज करके ट्रांसपोर्ट करके? अच्छा आपको कैसा लगा ट्रांसपोर्ट करके सामान? हमें बहुत अच्छा लगा। अब आप दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं पांगू अपने नाना नानी से मिलने, और हमें ये वादियाँ देखने को मिली, एक अच्छा सा डैम देखने को मिला, और हमें बहुत सुंदर सुंदर और अच्छा महसूस हो रहा है। ओके तो दोस्तों मैं हूँ देखिए लेक के पास छिरकिला डैम, और वो देख रहे हैं जो स्टेशन में छोड़ के आ चुका हूँ। अब यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी लेक पार करते हुए, और ये है मेरी गाड़ी, और ये है के हाथ दिलाओ। हेलो हेलो ब्रो, चलो चलो। हमारी गाड़ी बस अब बैक कर रही है वापस जाने के लिए पांगू। चलो 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 चलो। अच्छा ईशानी भाई आती हूँ ना मैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब निकलने का टाइम हो गया मेरे गांव पांगू की ओर।
तो आपको ले चलते हैं पांगू की रोमांचक यात्रा। कार्तिक है घोड़े अंदर ही आ जाइए, रो रहे मैं अंदर ही आ रही हूँ। के किधर हो रहा है किधर बोल मैं नहीं देख रही हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। रुक जा रुक जा। कुरकुरे वाले मिर्च क्या बनाए? हाय गाइस, ये मैं हूँ। मेरा फोटो दबाना लेना ऐसे नहीं करते ना। हाय गाइस, हाय गाइस, अब बोलना भी पड़ता है। फोटो दिखाओ, वीडियो बना रहा है वीडियो। हाय गाइस, ये मैं हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं खेत गांव दोस्तों, ये है खेत गांव, इसके बाद आएगा कंजोती। तो एक छोटा सा स्टेशन कंजोती हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये है एक छोटा सा स्टेशन जहां पर थोड़े से होटल से जहां हम खाना और चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कंजोती, जो एक स्टेशन है पांगू से पहले, और इसके बाद सीधे आता है मेरा गांव पांगू, जो आगे से ब्रिज पार करके हम जाएंगे। तो चलिए कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, बच्चों को भी क्या खाना है बेटा? मैगी, मैगी खाना है, मैगी खाएंगे। तो ये बच्चा पार्टी खाएगी मैगी, और क्या खाओगे मैगी के साथ? ठीक है, क्या खाओगे जल्दी बताओ? ये पानी गिरेगा बेटा, पानी चाहिए आपको? पानी देता हूँ, अभी देता हूँ, मैं नहाता हूँ। और देखिए चुपचाप मैगी का आनंद लिया जा रहे हैं। रुक दो रुक दो। तो अदरक इलायची वाली चाय आ चुकी है दोस्तों। के खाएगा मैगी भैया, मामा की सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा। के कहाँ मस्ती मार रहे हो? देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत झरना। बहुत खूबसूरत झरना देखिए दोस्तों, ये है कंजोती का झरना। यहाँ से राइड लेंगे तो जाएंगे आप सीधे मेरे गांव पांगू, और ये सीधे जाता है दारमा वैली दोस्तों, पंचाचूली की ओर। देखिए सामने दिख रहा है बर्फीले पहाड़। तो हम राइड लेंगे, इस ब्रिज को पार करके हम जाएंगे अपने गांव पांगू की ओर दोस्तों, जहाँ से वो गाड़ी। तो फ्रेंड्स मैं उस समय कंजोती वाटरफॉल में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल है कंजोती का, काफ़ी खूबसूरत झरना है। एक ये ब्रिज है, ये टूट चुका था, ये दोबारा बना हुआ नया ब्रिज है, इसी के आगे हम बढ़ेंगे पांगू के ब्रिज की तरफ, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये है देखिए ब्रिज, जिसे पार करके हम जाएंगे पांगू। तो दोस्तों
कंजोति और कंजोति वाटरफॉल का दृश्य देखिए दोस्तों, क्या शानदार नज़ारे हैं। तो मेरे पीछे पीछे के और आस्था भी आ गए। कहाँ गए? कंजोति पुल पार करने के बाद जैसे ही आप मेरे गांव पांगू की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, सामने ही प्रकृति का खूबसूरत नजारा हिमालय पर्वत आपको दिखाई देगा। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। क्या खूबसूरत वादी है दोस्तों, इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए मेरे गांव पहुंचते हैं हम पांगू। क्या नज़ारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच चुके ठाणी। हाँ बनाओ, देखिए सामने बर्फीले हिमालय की खूबसूरत वादियाँ। वाव, अब बस 3 किलोमीटर दूर है मेरा गांव पांगू। तो लीजिए व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं मेरे गांव पांगू। तो कैसा लगा मेरा गांव पांगू आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से दोस्तों। तो गांव पहुंचते ही ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है दोस्तों। आप अपना प्यार ऐसे देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। ओके बाय, सी यू दोस्तों। बैग मुझे दे दो। वीडियो बंद हो गया। चलना है, मेरे बैग उठा तो, ग्रीन वाला। रुक जाओ बाबू, आ जाओ। अक्षत इसको उठा तो, नीचे उठा, इसको उठाना अक्षत। पुण्यप्रणाम। ये है दोस्तों मेरे घर का रास्ता, मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव। तो आपको दिखाता हूँ